بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وصار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الله आज का हमारा मौजू है मसाइल शिता, सर्दी के दिनों के मसाइल। या अय्युहल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमुतुन्ना इल्ला वा अंतुम मुस्लिमून। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो, अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो, जैसा कि उससे डरने का, उससे तक़वा अख्तियार करने का हुक्म है। वला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, और तुम्हें मौत ना आए इस हाल में कि तुम इस्लाम की हालत में मरो। इबादतुल्लाह उम्मतुद्दीन वलअकीदा, मेरे दीनी भाइयों, दीन इस्लाम की उम्मत और एक अकीदा तौहीद की उम्मत। फ़इन्नल बर्दा यश्तद्दु वमा इश्तदादिही वज़ियादतिही अनिल हद्दिल्लज़ी يتحمله الكثير من المسلمين قد يجد الكثير من المسلمين حرجا في عباداتهم التي يؤدونها يوميا كالطهارة والصلاة وقد جاءت الشريعة برفع الحرج। मेरे दीनी भाइयों, सर्दी के दिन शुरू हो चुके हैं, इसकी सर्दी की शिद्दत में ज़्यादती है। इस वजह से अक्सर हमारे दीनी भाइयों को, मुसलमानों को वज़ू, गुस्ल और तहारत के मसाइल पेश आते हैं। उसमें अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, किस चीज़ के लिए तख़फ़ीफ कर रहे हैं, उसके मसाइल हम पढ़ेंगे। सूरह मायदा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मा युरीदुल्लाहु लियजअला लकुम मिन दीनी वलाकिन मा युरीदुल्लाहु लियजअलकुम मिन हरज वलाकिन युरीदु लियुतहिरकुम वलियुतिम्म निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह ताला तुम्हें मशक्क़त, मशाकिल और हरज में डालना नहीं चाहते, लेकिन तुम्हें पाक और साफ और बुराइयों से मुनज़्ज़ा करना चाहते हैं, ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। बल इन मिन क़वाइदहा अलअज़ीमा इन्नल अम्र इज़ा दाखा इत्तसा व इन्नल मशक्का तजलिबु तयसीर व अन्नल्लाहा तआला ला युकल्लिफु नफ़्सन इल्ला वुसअहा। एक कायदा है, जब कभी शिद्दत किसी चीज़ में बढ़ जाती है तो उसके अल्लाह ताला, उसके साथ साथ अल्लाह ताला आसानी को भी मुहैया कर देते हैं। आज हमारा खुतबा उसी मौजू पर है, व तज़किरन लिन्नासी व तहत्तुसन बिनेमतिल्लाहि अलैना व बिहादिहि शरिया समहा। दीन इस्लाम, शरीयत इस्लामिया समहा और आसानी की शरीयत है। अम्मा फ़ीहा यतअल्लक़ बित्तहारा, इस ताल्लुक़ से तहारत के अहकाम है। फ़इन्ना मशक्क़तल वुज़ू बिल माइल बारिद तूजिबु लिसाहिबहा अज़ीमुल अज्र, जब इंसान जब रात में
फजर में उठता है, रात में अल्लाह ताला की इबादत के लिए क़ियामुल लैल के लिए उठता है, सर्दी में कप कपाती हुई सर्दी, ठंडी सर्दी में कप कपाते हुए ठंड में उठता है और ठंडे पानी में हाथ डालता है जब वजू करता है, तो इसके पीछे इसका क्या मकसद है? अल्लाह ताला की रिजवान, अल्लाह ताला की रिजा, अल्लाह ताला की इबादत करना, अल्लाह ताला को राज़ी करना इसका मकसद होता है। इस वजह से अल्लाह ताला इसे उस बंदे को जो सर्दी में कड़ाके की सर्दी में वजू बनाते हैं उनको अजर अजीम नवाजते हैं अल्लाह ताला। كيف وقد قام الله لله تعالى واسبق الوضوء على اطرافه وهو يرتعد من شده البرد طلبا لرضوانه وقد اطلع الله عليه وعرف ان ما حمله على ذلك هو الخوف منه ابتغاء ये तमाम चीज़ें क्यों करता है बंदा? इसलिए कि अल्लाह ताला से डरता है, अल्लाह ताला से डर इस बात से डरता है कि मेरी नमाज क़ज़ा ना हो जाए, मेरे अल्लाह ताला के अवामर को बजा लाने में सुस्ती ना हो जाए, इसलिए उसका पेश नज़र है। दलील ذلك قوله عليه الصلاة والسلام الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال اسباغ الوضوء على مكاره وكثرة الخطا الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وذلك الرباط رواه مسلم। نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء على مكاره, वज़ू के अज्जा को, वज़ू के हिस्सों को अच्छी तरीके से रगड़ कर धोना, वो कसरत खुता फरमाते हैं अला अदुल्लुकुम अला मा यमहुल्लाहु बिल खताया, क्या मैं तुम्हें ऐसे अमाल ना बताऊँ अल्लाह ताला जिसकी वजह से तुम्हारे खताओं को, तुम्हारे गुनाहों को, तुम्हारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को मिटा देते हैं और तुम्हारे दर्जात को बुलंद करते हैं। तो साहबा ने पूछा बला या रसूल अल्लाह, बताइए आप लोग, बताइए ना ए नबी। तो फरमाते हैं इसबागुल वुदू अला मकारिही, वज़ू करते वक्त अच्छी तरीके से अपने वज़ू के आज़ा को अच्छी तरीके से मल कर धोना, वह कसरतुल खुता और मस्जिदों को जाते वक्त ज़्यादा स्टेप डालना, सलफ़ सालेहीन का ये अमल रहा है, हत्ता के बाजू भी उनके घर के बाजू मस्जिद भी रही है अगर, तो वो करीब करीब छोटे छोटे कदम डालते थे हिस्स में, इसलिए कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा खताएँ मिले। ये हमारा मनहज है, ये हमारे सहाबा, ये हमारे सलफ़ सालेहीन का मनहज है। आज हमको इस मनहज को इख्तियार करने की ज़रूरत है। कसरत खुता इलल मसाजिद व इंतज़ार सलात बाद सला, एक नमाज के फारिग होने के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना, ये भी वज़ालिकुम रुबात, यही रुबात है, यही रुबात है, यही रुबात है, तीन मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोहराए हैं। रुबात के माने टच में रहना, रुबात के माने मुराबित रहना अल्लाह ताला से। वहुना नुनब्बी अला इद्दत मसाइल, आज हम मुख्तलिफ मसाइल इस बारे में हम सुनेंगे। अलूला अन्नहु यजूज तस्कीन अलमा व इस्तेमाल अलमा साखिन फिल वुदू वल जनाबती व दलील साबिख फी फज़्ल इस्बाग अल वुदू बिल माए अल बारिद लिमन क़ुदिर अलैहि व लम यदुरहु। पहला मसला यह है कि गर्मा की शिद्दत के, सर्दी की शिद्दत में, कड़ाके की शिद्दत में आदमी से अगर नहीं हो रहा, अगर नौजवान भी है, अगर शदीद कड़ाके की शिद्दत है सर्दी की, तो उसमें उठ के जल्द से जल्द पहले उठना, उठ के जो है थोड़ा सा पानी गर्म करके वजू करना, इसकी इजाज़त है शरीयत के अंदर। मन आजिज़ा अन इस्तेमाल मा बे शिद्दत बुरूदती ही, जो कोई आजिज है इस सर्द पानी को, क्योंकि आजकल कोरोना का चल रहा है कि सर्दी में हलक का इन्फेक्शन हो रहा है लोगों को, तो हमारी गुजारिश है कि इस अल्लाह ताला इस तख़फीफ़ जो करे हैं इसका फ़ायदा उठाएं और गर्म पानी और कुरकुना पानी रख ले के सुबह में वज़ू करें। अहम शई हमारे पास क्या है? नमाज खजाना हो, नमाज को अपने वक्त पर पढ़ें। मन आजिज़ा इस्तेमाल इल्मा इश्दत बिरुदत ही और तजब्बद ही और खिलाफ दरब इस्तेमाल ही वलम यतमक्कन मिन तस्कीन ही और खश्य खुरूजुल वक्त इदा अनशगला बितस्कीन ही फ़इन्नहु यतयम्मम, और तयम्मुम भी करके नमाज पढ़ सकते हैं। एक हदीस में आपको सुनाता चलो, खाला अमर इब्न अल आस रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जमात को 20-25 सहाबा की जमात को एक ग़ज़वा ज़ादुस सलासिल के लिए भेजा था, तो जब अमर इब्न अल आस उसके सरदार थे, जब वो ग़ज़वे के लिए निकले, ग़ज़वे की मुहिम को सर करके जब वापस आ रहे थे, तो रास्ते में शदीद कड़ाके की सर्दी की
रात में वो लोग किसी जगह पर पड़ाव डाले और सो गए। सुबह में जब उठते हैं देखते हैं कि आपको एहतलाम हो गया। अमर बिन अलास देखें कि वक्त भी कम है, अब पानी भी ठंडा है बहुत ही और बीमारी है, तो आपने तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ाई। साहबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने सब आपको देखे, देख के बोले कि जलवा की हालत में आप तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ाए। खैर जब तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब वापस जाने के बाद मदीने मुनव्वरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे मसला पेश हुआ, या रसूलुल्लाह हमारे सरदार ने हमें जनाबत की हालत में नमाज़ पढ़ा दी तयम्मुम करके, तो आपने बुलाया अमर इब्न अस को। आपने आने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनसे पूछा कि आए अमर, क्या तुम अपने साथियों को जनाबत की हालत में तयम्मुम करके नमाज पढ़ाए हो? आपने फरमाया हाँ या रसूलुल्लाह, क्योंकि मैं बीमार था, शिद्दत सर्दी की इतनी शिद्दत थी कि मैं उठ के गुस्ल नहीं कर सकता था, वज़ू भी नहीं कर सकता था। मैंने तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ा और मैं अल्लाह ताला की कुरान की इस आयत से इस्तदलाल किया हूँ, वला तक्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा, अपने आप को हलाकत में मत डालो, अल्लाह ताला रहीम और करीम है अपने बंदों के लिए। फतयम्मतु, उसके बाद आपने फरमाया मैंने तयम्मुम किया, थुम्मा सल्लैतु, उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ाया। फ़ज़हिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। वलम यकुल शैयन, इसके बाद आपने कुछ नहीं कहा। इस हदीस से हमको इस बात की दलील मिलती है कि हम नौजवान बच्चे आज बाज़ वक्त होता है रात में देर से सोते हैं, उठने में इत्तेफाक से इत्तेलाम हो जाता है, तो वक्त बहुत कम रहता है, तो आदमी जब फौरन तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ सकता है। अस्थानिया मा कसरत मलाबिस व तरादिफा यतसाहिल बाब मिन तश्मीरी अनसाइदैही फला यसिल मा इला मिरफकैही वक़द हद्दर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन तसाहुल फी ज़ालिका फ़क़ाला वैलुन लिल आक़ाब मिन अन्नार व हथ्था अला इस्बाग़ अल वुज़ू लअज़्ल इहतिमाम बईसाई मा इला जमी अतराफ़ अल वाजिब ग़ुस्लुहा। दूसरा मसला यह है कि आदमी सर्दी के वक्त में शर्ट, उसके बाद जैकेट, उसके बाद सूटर, मुख्तलिफ गर्म कपड़े पहनता है आदमी, मफलर वगैरह लपेट के रहते हैं, जब उठते हैं तो सुधरता नहीं। बाद वक्त क्या करते हैं लोग, कसलान और सुस्ती की वजह से अपने आस्तीन पूरे नहीं चढ़ाते, कोहनी के ऊपर नहीं उठाते और फवा का वहीं अपनी कोहनियों के नीचे तक धो देते हैं और वो नमाज पढ़ते हैं। तो फरमाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत को ज़ाहिर किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम की एक जमात नमाज के लिए आई, बाद सहाबा वजू करके जब अंदर दाखिल हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पॉइंट आउट करके बताया कि देखो तुम्हारी कुरान एड़ी कच्ची कच्ची नहीं भी सूखी है और तुम्हारा कोहनी का हिस्सा सूखा है। और फरमाया वैलुन लिल आक़ाब मिन अन्नार, जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ। इस्बाग़ुल वुज़ू, वज़ू को अच्छी तरीके से अपने आज़ा को रगड़ कर धोया करो। तो हमारी गुजारिश ये है कि सर्दी के दिनों में तसाहुल की सबब बाज़ लोगों से ऐसा होता है और ख़ास तौर से नौजवानों से हमारी गुजारिश है, अल्लाह ताला की जब इबादत करते हैं उसका पूरा का पूरा हक अदा करें। अर्राबिया वलवाजिब फ़ी इशारत मा अलल अज़ू फिल वुदूई फ़क़द यतसाहल अलबाद मिन शिद्दत अलबुरूद फयमसह मसहन व हुनाक फ़र्क़ बैन अलगुस्ल वलमसह कमा हुआ ज़ाहिर क़ौल अल्लाह तआला फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदीकुम इला अलमराफ़िक़ वामसहू बिरुऊसिकुम व अरजुलकुम इला अलकअबैन। चौथा मसला है, वाजिब है हर वज़ू के हर आज़ा पर पानी बहना। अलवाजिब हुआ इसारतुल मा अलल अज़ू फिल वुज़ू, वज़ू के दौरान कोहनियों पर और अपने चेहरे पर और अपने पैरों पर तमाम पानी बहना ज़रूरी है। बाद लोग खाली पानी कच्चा कर लेके खाली मसाह करते हैं और रगड़ते हैं, ये नहीं है। वाजिब वह है कि इसारतुल मा पानी अपना लेने के बाद कोहनी तक नीचे से बहना पानी। इसारतुल मा अलल वुज़ू फिल फ़क़द यतसाहल अलबाद मिन शिद्दत अलबुरूद फ़यमसह मसहन, बाद लोग सिर्फ सर्दी की शिद्दत की वजह से सिर्फ मसाह करते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़क़सिल वुजूहकुम, अपने चेहरों को अपने हाथों को कोहनियों तक धो, धो के अल्फाज हैं। वमसहु बिरुसिकुम, और मसाह करो अपने चेहरों का। अल खामिसा यजूज़ तनशीफ़ुल आबा बाद अल वुज़ू फ़क़द
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان له خرقه يتنشف بها بعد الوضوء. पांचवी चीज है वजू बनाने के बाद आजा को पहुंचना भी पहुंच भी सकते हैं. और एक हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वजू बनाए, आयशा सिद्दीका तआला जब आपको टावल कपड़ा दिए तो आपने फरमाया कि रहने दो, टावल ले लिए, रद्द भी करे इस बात से, इसलिए कि जब वजू जब बनाता है आदमी उसके सगीरा गुनाह धुलते हैं. तो कोई आदमी अगर इस बात को एहतमाम करना चाह रहा है तो कर सकता है, लेकिन अगर कोई मरीज है तो उसको पहुँच भी सकता है. यजूस तनशीफुल आबा बाद अल-वुदू. और ये भी साबित है नबी करीम सल्लम से कि उनके लिए एक कपड़ा रखा जाता था वजू बनाने के बाद, आप उससे पोछते थे. हदीस हसन अल-अल्बानी की सही जामे. वहादा फीमा यतअल्लक बिल-वुदू अम्मा अल-मसह अला खुफैन. ये वुदू के मसाइल हो गए. अब मसह अला खुफैन, शुराब जवारिब और साथ पर मसह करने के मसाइल बताएंगे हम. هذا فيما يتعلق بالوضوء اما المسح على الخفين او الجوربين وهي كل ما يلبس في الرجل سواء كان رقيقا او غليظا مخرجا او سليما فيجوز المسح عليها وفقا لاحكام التاليه. आदमी जो जिस किस्म का भी साक्स पहनता है, पतला हो या मोटा हो या चमड़े का हो या कॉटन का हो, किसी भी किस्म का, उस पर मसाह कर सकते हैं. मुसाफिर के लिए 3 दिन 3 रात और मुकीम के लिए 1 दिन 1 रात, मुकीम के लिए 24 घंटे तक. अक्सर लोगों को ये मसला मालूम नहीं है. सर्दी की वजह से हम इस तख़फ़ीफ को इस्तेमाल कर सकते हैं और यूज में ला सकते हैं. हदीस नबी करीम सल्लम की, हादा फीमा यतअल्लक बिल-वुदू अम्मल मस्ह अला खुफ़ैन لبسهما على الطهارة غسل فيهما قدميه يقول المغيرة بن شعبة. مغيرة بن شعبة رضي الله عنه حديث ہے كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا سفر میں. فاحویت انزع خفیه, میں نے چاہا, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے, آپ چھوٹے سے غلام یعنی نوجوان تھے, آپ کی عمر 11 12 سال کی تھی, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے رہتے تھے. تو آپ نے چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سے خف یعنی جو ساکس کو شواری کو جو ہے نا نکالنا چاہے. فاحویت لانزع خفیه فقال دعهما, آپ نے فرمایا چھوڑو چھوڑو انہیں چھوڑو. فانی ادخلتهما طهارتین, میں نے ان کو طہارت اور پاکی کی حالت میں پہنا تھا, یعنی وضو بنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنے تھے شاید. فمسح علیہا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان شواری پر ان ساکس پر مسح کیے. جواز مسحهما فی الحدث الاصغر لا فی جنابہ, اور یہ مسح جو ہے حدث اصغر کے لیے ہے, حدث اکبر کے لیے نہیں ہے. جنابت اور غسل, غسل جنابت اگر کوئی کرنا چاہ رہا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نکالے پورا. ہاں البتہ وضو ہے, وضو ٹوٹا ہے اس کا صرف, ضرورت کو پیشاب پخانے کو گیا ہے صرف, تو اس کے لیے مسح کر سکتے ہیں. اما صفت المسح وہی ان یضع اصابعہ یدیہ مبلولتین, اور مسح کرنے کا جو صفت ہے, مسح کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بتائیں گے. ان یضع اصابع یدیہ مبلولتین, اپنے ہاتھوں کو, دو ہاتھوں کو بھگا لے پانی سے اور اپنے انگلیوں سے صرف انگوٹھے سے شروع کر کے ٹخنے تک پھیر لے, بس ایک ہی مرتبہ کافی ہے, بار بار مسح کرنے کی ضرورت نہیں. یمرھا الی ساقہ یمسح الرجل الیمنی بالید الیمنی, سیدھے ہاتھ سے سیدھا پیر اور بائیں ہاتھ سے بائیں پیر کا مسح کرے. وقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم للمقیم یوم و لیلہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقیم کے لیے, جو آدمی مقیم ہوتا ہے اپنے گھر میں رہتا ہے, مسافر نہیں ہے, اس کے لیے 1 دن اور 1 رات. وللمسافری 3 ایام للمسح علی خفین, ولیکن من اینا یبدا التوقیت فی المسح. مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہاں سے شروع کریں, جیسا کہ آج ہم اب اس وقت میں وضو بنا کے شواری ساکس پہن لیا, جب میں اس مسح کیا تو جب سے آج توقیت یہاں سے شروع ہو جائے گی, وقت یہاں سے شروع ہوگا. 24 گھنٹے پکڑ لینا, 9 بجے ہم وضو بنا لیے اور ساکس پہن لیے, 9 بجے سے کل کے دن 9 بجے تک اس کو مسح کر سکتے ہیں. یہاں پر توقیت ہے. الراجح انہ من اول مسح لظاہر قولی, راجح مسئلہ اور صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ مسح شروع کرتے ہیں اسی وقت پر ختم کریں گے. وما اشتداد البرد قد يلبس البعض خفا على خف او شرابا على شراب فلا باس بذلك. واما احكام المسح عليها
फकमा यदि, और बाज़ लोग क्या करते हैं दो दो तीन तीन भी सॉक्स पहना जाता है बाज़ वक्त, क्योंकि रशिया वगैरह बस सेंट्रल एशिया के स्टेट्स के अंदर बर्फबारी इतनी होती है कि आदमी एक सॉक्स एक शुरुआत बस नहीं होते, उसको दो दो तीन तीन पहनते हैं। तो ऐसे वक्त में एक मरतबा शुरुआत हम पहन लिए वजू बना के, उसके बाद दो तीन पहने, उसके बाद में उन पर भी मसा कर सकते हैं, दूसरा तीसरा भी सॉक्स पहने हुए अगर तो उस पर भी मसा कर सकते हैं। इदा लबिसा जौरबन कुफ्फन थुम्म अहदथा थुम्म लबिसा अलैहि आखर क़ब्ल अन यतवद्दा फलहुक्म अलऊला, पहले के हुक्म में आएगा। वालमू अन नज़अ अलकुफ्फैन बादल मस्ही अलैहिमा ला यन्फ़िदु अलवुदू, और बाज़ उलमा यह भी बोलते हैं कि जब आदमी तहारत की हालत में वजू की हालत में जब शुराब पहन लेता है उसके बाद इत्तेफाक से शुराब निकाल दिए तो वजू टूट गया बोलते हैं, लेकिन ये अहवत ये सही नहीं, बल्कि नखदुल वुजू जब होता है पेशाब पाखाना जाने से ही वजू टूटता है, शुराब सॉक्स निकालने से वजू नहीं टूटता। रवल बुखारी व मुस्लिम अन्नाफे काल अद्दन इब्न उमर ثم قال صلوا في رحالكم فاخبرنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامر مؤذنا يؤذن ثم يقول على اثره الا صلوا في رحال في الليله البارده او المطيره في السفر। ये भी सुन्नत है कि अगर शिद्दत से सर्दी हो रही है अगर तो आदमी घर में भी पढ़ सकता है नमाज, मस्जिद को नहीं जाके घर में भी पढ़ सकता है, सिर्फ शदीद सर्दी और पानी और बर्फबारी होते वक्त ये मसला है। हमेशा इस मसले को हम इश्तिहाद नहीं करना, इसके लिए जब आज शदीद है अगर सर्दी, कोई ज़ईफ़ आदमी है घर में नमाज़ पढ़ ले सकता है, इसलिए कि उसको बर्दाश्त नहीं है। तो दलील दे रहे हैं यहाँ पर इमाम बुखारी की हदीस है, अद्दना इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इजाज़त दिए हैं, और उस ज़माने में ऐलान होता नमाज इजान अदान के बाद ऐलान होता कि सल्लु फी रिहालिकुम, अपने घर अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ सकते हो। और फिर हदीसी फवायद मिन्हा, इस हदीस से हमको क्या फ़ायदे हासिल हुए हैं, अल औला अर रुख्सा फी तखल्लुफ अर रुख्सा फी तखल्लुफ अनिल मस्जिदी अल जमाअ लि उज़्र, उज़्र से आदमी जमात की नमाज को छोड़ भी सकता है, सिर्फ यही उज़्र बर्फबारी पानी और सर्दी। अर रुख्सा फी तखल्लुफ अनिल मस्जिद अल जमाअ लि उज़्र, जमात की नमाज जमात से नमाज पढ़ने से आदमी बचकर घर में भी पढ़ सकता है, इसलिए कि सर्दी की वजह से पहला। वह तरखुस की सलाह वक्त नज़ूरुल बर्द अशदीद अल अन्नास, और एक दूसरा मसला है कि दो नमाज़ों को एक मरतबा भी पढ़ सकते हैं, ज़ोहर असर मिला के भी पढ़ सकते हैं, शदीद सर्दी हो रही है अगर मग़रिब इशा भी मिला के पढ़ सकते हैं। अगर कोई ज़ईफ़ आदमी है अगर उसे बार बार वज़ू बाकी नहीं रह रहा अगर, तो वह आदमी ये भी कर सकता है कि मग़रिब इशा के साथ मिला के पढ़ सकता है सर्दी के दिनों में, और ईशा मगरब ईशा के साथ मिला के पढ़ सकते हैं, और ज़ोहर असर के साथ मिला के पढ़ सकते हैं। वह वाबद शिद्दत फिल बर्दी अन यख्शा इंसान मिन्हु हुसूलुल हलाक फी नफ्सिही औ तलफ़ फी अदुव्विही औ यजिद फीही मशक्का ज़ाहिरा व कल्फा फी अदा अल इबादा तूजिब लहू अल मरद औ अल अदा व हाज़ा यकूनु ग़ालिबन फी अय्यामिन मअदूदा, ये चंद दिन के लिए मसाइल हैं सिर्फ। قالت قرطبي وظاهرها جواز التخلف عن الجمال لمشقة اللاحقة من المطر والريح। امام قرطبي بھی فرماتے ہیں کہ آدمی مشقت ہے اگر سردی ہے پانی پڑ رہا ہے شدید سے اور برفباری ہو رہی ہے تو گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں। ویادر فی ترک الجماع بالریح, شدید ہوا بھی چل رہی ہے شدیدہ فی اللیلۃ المظلمۃ الباردہ। دوسرا مسئلہ ہے ان المؤذن حین العذر यब्दुल क़ौलिही हय्या अला सलाह यकूल सल्लु फी रिहालिकुम, हय्या अला सलाह के बजाय मौज़न को ये बात कहने की भी इजाज़त है कि सल्लु फी रिहालिकुम, अपने अपने घरों में भी नमाज़ पढ़ सकते हो। बल्कि कमा यजूज़ुल जमा बैन सलावाती मा शिद्दा, और दो दो नमाज़ें मिलाकर पढ़ना भी जायज़ है। वह इश्तिदादुर रीह अल्लती तदुर्रुन नास वलौ लम यकुन हुनाका मदर फ़क़द जमा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मदीना मिन गैरि खौफिन वला सफ़रिन वला मदरिन रफ़न लिल हरजी अन उम्मतिही, अपनी उम्मत में आसानी पैदा करने के लिए नबी करीम सल्लम इस अमल को करके बताए हैं। फ़क़द जमा नबी सल्लम, नबी करीम सल्लम दो नमाज़ों को मिलाकर भी पढ़े हैं मदीना मुनव्वरा में बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी सफ़र के, बग़ैर किसी पानी और उज़ुर के।
यानी आम दिनों में भी आप कभी भी कर सकते हैं, इसको हम दलील ने बना लेना कभी कभार आदमी कर सकता है। वला यजूज इस्तिक़बाल अन्नार बिस्सलाह, और एक मसला है जब आदमी सर्दी के दिनों में आग लगा रहा है, बाद लोगों के पास अगेठी रहती है, बुखारी रहती है सामने, तो नमाज आग के सामने नहीं पढ़ना। वला यजूज अल इस्तिक़बाल अन्नार बिस्सलाह, क्योंकि मजूस यहूद और नसारा के अमल से मुशाबियत होती है। मजूस का यह अकीदा है, मजूस आग को अपना खुदा मानते हैं, तो वला यजूज इस्तिक़बाल अन्नार बिस्सलाह, नमाज के लिए आग के सामने नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। लम्मा फी मिन मुशाबहत अल मजूस फी इबादत लिन्नार वअलमु या वफ़क़कुमुल्लाह इन शिद्दत अल बर्द मिन फई जहन्नम। मेरे दीनी भाइयों, मेरे मुसलमान इस्लामी भाइयों, जान लो कि गर्मी की शिद्दत जो है जहन्नम की गर्मी से मुमासिरत रखती है। इन शिद्दत अल बर्द मिन फई जहन्नम तज़क्कुरकुम बिअन तश्तहिदू फी ताअत रब्बिकुम, और तुमको ये आग याद दिलाती है अल्लाह ताला की ताक और फरमाबरदारी की। वो तलफ़ु इला हाजत इख्वानुकुम मिन अल-फ़ुक़रा अल-मुअदमी व तहस्सबू फी किस्वतिहिम, और अपने गरीब मिस्कीन और परेशान हाल जो मुसलमान है जिसके पास कम्बल नहीं है, जिसके पास कपड़े खातिर खा मकदार में नहीं है, तो उनको उनका भी ख्याल रखना चाहिए, उनकी तरफ भी देखना चाहिए। जो असहाबे जिसके पास बाब असबाब हैं। वला तंसू अन्न लकुम इख्वानन फिल बिलाद अश्शामी, और अपने गुरबा और मसाकीन भाइयों को न भूलें इस शिद्दत बर्द की हालत में। अन यफ़रुज अन्हुम व अन यकबित अदुवुहुम, बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन बर्रुन रऊफुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्लह व मन युदलिल फला हादियलह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीकलह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु والذي يرسل بالحق بشيرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الكفر والكافرين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم وتب علينا وعليهم يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير اللهم انصر مجاهدينا في كل مكان اللهم انصر مجاهدينا في بلاد الرافدين اللهم انصر مجاهدينا في بلاد الشام اللهم انصر مجاهدينا في بلاد الجزيرة العربية اللهم انصر مجاهدينا في جميع أنحاء العالم يا رب العالمين اللهم اهلك الكفرة والمشركين وأعداءك وأعداء الدين اللهم يا ربي عليك باليهود والنصارى إنهم خططوا ضد المسلمين اللهم اهلكهم أشد هلاكا وانتقهم من أشد الانتقام اللهم ضيقهم كل المضايقة يا رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر.